आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला में अर्शिल मंसूरी ने गुम हुए 25,000 उसके असली मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। पूरे मेवाड़ संभाग में ईमानदारी की मिसाल कायम की है। जितेंद्र सहलोत, अर्शिल मंसूरी स्कूल, अकोला, राजस्थान। राष्ट्रीय मंसूरी समाज टीम उदयपुर ने आज अकोला पहुंचकर बिटिया अर्शिल मंसूरी का स्वागत व सम्मान प्रमाण पत्र ट्रॉफी देकर किया। साथ ही मदरसा अकोला के उस्ताद काजी डायरेक्टर जितेंद्र सहलोत, दोनों अर्शिल मंसूरी के उस्ताद हैं, का भी सम्मान किया। प्रदेश प्रवक्ता यूसुफ मंसूरी ने बताया कि जिलाध्यक्ष अख्तर हुसैन मंसूरी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी के नेतृत्व में आज मंसूरी समाज उदयपुर का एक शिष्टमंडल चित्तौड़गढ़ के अकोला अर्शिल मंसूरी को सम्मानित किया। इसमें अंजुमन फलाहुल मंसूर सोसाइटी सदर अब्दुल लतीफ मंसूरी, रक्तदाता अफेल मंसूरी, अशरफ हुसैन मंसूरी, यासीन मंसूरी, आजम खान आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय मंसूरी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हाजी मुबारक मंसूरी ने दूरभाष पर पूरी टीम को बधाई दी। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय मंसूरी समाज संपूर्ण भारत में प्रतिभावान विद्यार्थियों, समाज सेवियों का सम्मान करता आया है, ताकि समाज से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले और समाज उत्तरोत्तर विकास कर पाए। खबर आपकी राजस्थान से, नंदलाल तेली की रिपोर्ट। स्कूल की छात्रा ने इस तरीके का काम किया, सारे स्टाफ सारे विद्यार्थी बहुत खुश है कि हमारे स्कूल की छात्रा ने इस तरीके का काम किया, और भी छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी कि आगे वो भी इस तरीके की ईमानदारी का कार्य करें। जैसे हमारा विद्यालय भी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार एवं ईमानदारी में भी विश्वास करता है, तो वही गुण बच्ची ने दिखाते हुए इस तरीके का कार्य किया। और अपेक्षा करते हैं कि बच्ची पढ़ाई एवं अन्य क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े एवं इसी तरह भविष्य में भी इसका भविष्य उज्जवल रहे, और हमारी तरफ से जो भी स्कूल की तरफ से जो भी इसको आगे बढ़ाने में कोशिश होगी वो हम करने का वादा करते हैं। धन्यवाद।